नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक नायक पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो मैं वीडियो लाया हूँ ब्लूटूथ हेडफोन पर, तो ये ब्लूटूथ एकदम सही है। खैर, पर मुझे एक बंदे ने कमेंट करा था और वो बोल रहा था कि भाई मुझे एक ब्लूटूथ हेडफोन पर एक वीडियो चाहिए जिसमें सॉकेट किस तरह से लगाया जो भी एकदम सेफ तरीका हो। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूँ, कभी आप ब्लूटूथ हेडफोन रिपेयर करते हो, सबसे पहले आपको मैं अच्छी तरह समझा दूँ कि आप बारीक काम कर सकते तो ही इसे रिपेयर करना, वरना मत करना, क्योंकि इसमें एकदम बहुत बारीक काम होता है। कभी आपने कुछ मिस्टेक कर दी, उससे क्या होगा, आपका ब्लूटूथ का जो बोर्ड है ये डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी आपको आता है तो ही इसे रिपेयर कीजिए। तो ये हमारा एकदम ओके है, तो मैं आपको इसमें एक बार चेक भी करा देता हूँ कि ये ब्लूटूथ एकदम ओके है। तो मैं आपको एक बार इसमें जो हमारा चार्जिंग जैक है इसे मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ। ये देखिए रेड लाइट आ रही है, यानी हमारे एकदम ओके है। ठीक है, तो इसे मैं निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना चाहिए, मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए, कभी भी आप इसे रिपेयर करते हो तो सबसे पहले इसमें दो चीज आपको सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज कि आप इसमें जब भी रिपेयर करो तो टेप एक जरूर रखना चाहिए, क्योंकि इससे सेफ्टी होती है। दूसरी बात, जब भी आप इसे रिपेयर करो तो उसके जो बैटरी के माइनस प्लस के वायर, इसे जरूर निकाल दीजिए, क्योंकि इसे नहीं निकालो उससे क्या होगा कि हम जैसे मान लीजिए चार्जिंग जैक लग रहा है, कुछ भी रिपेयरिंग करें तो उससे क्या होता है, शॉर्टिंग होने का डर होता है। जैसे मान लीजिए सोल्डिंग कर रहे हो और सोल्डिंग कहीं पर गलती से फेल जाती है, तो उससे क्या हमारा बोर्ड शॉर्ट हो जाता है। तो प्लीज़ इसे आप निकाल लीजिए सबसे पहले। तो हम इसे निकाल लेते हैं, जो हमारी बैटरी के हैं प्लस माइनस के, इसे हमने निकाल लिया है। अब इसके बाद जो हमारे ये बोर्ड है इसे हम यहाँ पर अच्छी तरह से एक जगह सही जगह पर रखेंगे, और जो टेप है उसकी मदद से हम उसे एकदम सही जगह पर चिपका देंगे। तो दोस्तों देखिए, इसे चिपकाने से क्या फ़ायदा होता है कि जैसे आप कुछ भी काम करते हो उसमें, तो ये काफ़ी बारीक चीज़ होती है, तो उससे हमें क्या थोड़ी सेफ्टी मिल जाती है काम करने में। उससे क्या होता है, हिलता नहीं है, तो आप टेप लगा ले तो काफ़ी अच्छा रहेगा। कि नहीं भी लगा तो कोई बात नहीं, पर लगाना बहुत ज़रूरी होता है, इससे क्या हिलने का डर नहीं होता। तो हम दोनों साइड लगा लेते हैं, एक और मैं टेप काट लेता हूँ थोड़ी सी, ये इस तरह से हमें लगा लेना, एकदम ओके लग चुका है हमारा ये। इससे अब हिलना ढुलना इसका नहीं रहेगा और हम जो काम है आराम से कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा चार्जर देखे, इसके ऊपर हमें सोल्डिंग अच्छी तरह से माननी है। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हम इसे आयरन की मदद से ही निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें ग्लोर मशीन नहीं यूज़ करते। उससे क्या होगा, कभी हम ग्लोर मशीन यूज़ करते तो उससे हमारा जो बोर्ड है ब्लूटूथ के हेडफोन का जो बोर्ड है ये ख़राब होने का डर होता है। इसलिए कभी आप चार्जिंग जो हमारा आयरन है उसी की मदद से निकालें, इससे बहुत जल्दी हीट हो जाएगा और चिमटी की मदद से ही आपको हटाना है। ठीक है, तो हम थोड़ा इसे हीट कर लेते हैं अच्छी तरह से, ये अब अच्छी तरह से हीट हो गया है। अब इसे हम हमारी चिमटी की मदद से हटा लेते हैं। देखिए, काफ़ी बड़ी आराम से निकल गया, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो ये देखिए हमारा निकल चुका है ये। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता दूं, चार्जिंग जो जैक है हमारा, ये मार्केट में बहुत तरीके आते हैं। ठीक है, तो इसको आपको इसमें जो है इसमें आपको एकदम ओरिजिनली लगाना है, क्योंकि आप दूसरा लगा उससे क्या होगा, इसकी प्रिंट मैच नहीं होगी, और हो सकता है आप लगा भी दो तो एक दो दिन के बाद वापस निकल सकता है। तो प्लीज़ आप कोशिश कीजिए कि इसमें आप इसका ओरिजिनल ही लगाएं। तो मेरे पास का एक एक्स्ट्रा है ओरिजिनल, ये रखा, तो मैं इसी को इसमें लगाऊंगा। ये देखिए एकदम ओरिजिनल है ये इसमें एकदम परफेक्ट मैच हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, मैं थोड़ा इसको सही कर लेता हूँ, थोड़ा सोल्डिंग कर लेते हैं, क्योंकि इससे सोल्डिंग करने से लगाने में थोड़ी आसानी हो जाती है हमें इस तरह से। अब इसके बाद हमें क्या करना है मैं आपको बता दूं, थोड़ा ही मिनट, थोड़ा इसमें कार्बन लगा है, उसे हमें थोड़ा साफ कर लेना है। इस तरह से हमको एक बार लगा कर देख लेना है कि एकदम सही लगता है ये है कि नहीं। देखिए, इसमें आराम से लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है।
तो इसे हम सबसे पहले एक बार क्लीन कर लेते हैं पेट्रोल की मदद से। देखिए आपके पास जो हो क्लीनर, उससे आप इसे क्लीन कर सकते हो। तो मैं इसे पेट्रोल की मदद से ही क्लीन करूँगा, एकदम बेस्ट क्लीन होता है। अब उसके बाद हमें थोड़ा और सोल्डिंग मारना है। देखिए सोल्डिंग इसलिए हम मार रहे हैं क्योंकि थोड़ा ये सोल्डिंग अच्छे से हो जाएगा तो इससे हमारा जो चार्जिंग जेग है वो काफ़ी अच्छी तरह से इसमें लग जाएगा, ठीक है। और देखिए चार्जिंग जेग लगाने में आपको इस तरह से थोड़ी सोल्डिंग मारनी दोनों साइड, इससे क्या थोड़ा इसका हिलना डुलना बंद हो जाएगा। इधर भी आपको ऐसे ही मारनी है तो एकदम परफेक्ट मैच हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा लगाने के बाद आप थोड़ा दबा दीजिए ताकि अच्छी तरह से फिट हो जाए। ये देखिए ये लग चुका है। अब जो हमारे बारीक बारीक, इसे हमें बारीक आयरन की मदद से ही सोल्डिंग करनी है। देखिए इसमें आपको ध्यान देना है कि एकदम परफेक्ट काम करना है, कभी आप इधर उधर कर दोगे उससे क्या होगा ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए मैं इसे अच्छी तरह से मार देता हूँ। ये हमारा लग चुका है। थोड़ा और अच्छे से हम इसे कर लेते हैं क्योंकि लापरवाही नहीं कर सकते, इसमें क्या ख़राब होने का डर होता है। ये हमारा लग चुका है, थोड़ी सी इधर मिस्टेक लग रही है हमें, ऐसा सही कर लेते हैं थोड़ी, क्योंकि इसमें रिस्क बिल्कुल मत लेना वरना कस्टमर आपके माथे पड़ जाएगा, थोड़ी सावधानी करनी है। ये देखिए लग चुका है। अब इसमें हम एक बार निकाल लेते हैं, थोड़ा आराम से निकालना है। ये देखिए पूरा चेक लग करते हैं चुका है। चार्जिंग की मदद से। अब इसके बाद हमें इसमें एक बार चार्जिंग से चेक करना है कि कंफर्म चल भी रहा है कि नहीं। देखिए रेड लाइट आ चुकी है, यानी चार्जिंग हमारा जो जेक लगाया है वो एकदम सही लग चुका है, ठीक है, एकदम परफेक्टली लग चुका है। खैर काफ़ी बड़ी बात नहीं थी इसे लगाना, बस थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। ये देख लीजिए दोस्तों, एक मैं इसमें आपको एक बात बता दूं, आपने इसमें एक चीज़ नोटिस की होगी कि इसमें एक प्रिंट इसकी डैमेज हो चुकी बीच की। खैर इससे कोई दिक्कत नहीं होती, जो इसकी धड़ वाली है और दोनों धड़ धड़ वाली है, ये एक माइनस और एक प्लस के इन्हीं से इसमें चार्जिंग आता है। जो इसकी बीच की कोई प्रिंट उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। कभी आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो मत टेंशन लेना, इससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, सिर्फ प्लस और माइनस ही वोल्टेज चलते हैं, ठीक है। प्लस माइनस में मतलब ऐसा कि मतलब भाई एक माइनस ग्राउंड जाता है और एक प्लस 4 वोल्ट 3 वोल्ट जाते हैं इसमें, तो कभी आपकी बीच की प्रिंट है उससे कोई घबराना मत। तो इस तरह से आप इसे रिपेयर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यदि कि आपको वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगी। तो बस एक बार मैं आपको चेक करवा देता हूँ भाई, किसी को डाउट ना रहे। ये देख लीजिए एकदम हो रहा है, क्योंकि कई बंदे कमेंट्स कर देते हैं। तो बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो जमे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी के लिए इतना ही।